हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आर्यन दिगोरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे पे। आज अपन खड़े हैं दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस पे। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भारत का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है दोस्तों, जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आता है। तो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आता है दोस्तों, ये सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे है। इसकी लागत लगभग 1,00,000 करोड़ है दोस्तों। तो आप देख सकते हो, जो ये है एक स्मॉल LVUP है दोस्तों। ये यहाँ से एक रास्ता है गांव जाने का। तो यहाँ पे एक LVUP बन रहा है दोस्तों, जिसका ये राफ्ट लगा रहे हैं अभी। इसकी डिटेल तो दोस्तों आप देख सकते हो राफ्ट कैसे लगा रहे हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा देना दोस्तों। हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो इंडियाज लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे में ये जब तैयार हो जाएगा सर दोस्तों, तो ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बनेगा दोस्तों, जो कि 1,250 किलोमीटर है, 1,250 किलोमीटर दूरी तय करेगा दोस्तों। जो कि दिल्ली से मुंबई अभी दोस्तों दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 24 घंटे लगते हैं, तो ये महज 12 घंटे उस दूरी को कम करेगा दोस्तों। तो इसलिए ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत। तो इसकी कॉस्ट लगभग 1,00,000 करोड़ है दोस्तों, जिसमें से 60,000 करोड़ स्ट्रक्चर के लिए है दोस्तों, हाईवे बनाने के लिए, और बाकी लैंड एक्विजिशन के लिए है दोस्तों। तो देख सकते हो दोस्तों, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये, 1,250 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस पे। तो अपन आज जो है दोस्तों, ये अपन दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे पे है दोस्तों, फिर वडोदरा से मुंबई। तो दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे पैकेज 31 पे अपन है दोस्तों। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ पैकेज 31। तो पैकेज 31 है दोस्तों, ये 720 चेनेज नंबर 820 टू चेनेज 844 तक है दोस्तों, ये सॉरी 824 से 844 तक ये पैकेज 31 है दोस्तों इसका, जो कि वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में आता है दोस्तों, गुजरात में। ये जो एक्सप्रेस वे है दोस्तों, ये इसकी दूरी टोटल 1,250 किलोमीटर है, और ये 5 राज्यों से गुजरता है दोस्तों, जैसे कि हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 5 राज्यों से ये गुजरता है दोस्तों। ये स्टार्टिंग होता है गुड़गांव के सोना से, स्टार्टिंग होके मुंबई के मीरा भाईंदर, जो रोड मीरा भाईंदर है दोस्तों, वहाँ तक जाके ख़त्म होता है दोस्तों। तो ये है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे LVUP का राफ्ट बन रहा है दोस्तों, जिसका बॉटम स्लैब का ये आउटर का वर्टिकल अभी लगाना स्टार्ट हुआ है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही स्ट्रक्चर के वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों। अभी दोस्तों हम नागपुर मुंबई समृद्धि एक्सप्रेस वे से अभी यहाँ पे आए दोस्तों, दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पे। तो अभी यहाँ के स्ट्रक्चर जो भी है उसके वीडियोस लाता रहूँगा मैं आपके लिए। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ कुछ कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, अगर आपको कुछ क्वेरीज हो या जो भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो दोस्तों। ये टोटली एसेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेस वे है दोस्तों, जो कि 8 लेन है दोस्तों प्रपोज्ड। अभी 8 लेन एक्सप्रेस वे है दोस्तों, और साइड में इसकी लैंड कुछ मतलब इसको एक्स्ट्रा लैंड एक्विजिशन करके रखा है दोस्तों, जो कि एक्स्ट्रा छोड़ी जाएगी ताकि आने वाले इन फ्यूचर में इसको बढ़ा भी जा सके, इसके वाइडनिंग कर सके, ताकि
12 लेन तक इसको बढ़ा सके, इसके लिए इसकी साइड में और कुछ लाइन छोड़ी जाएगी दोस्तों। और ये टोटली एक्सेस कंट्रोल्ड है दोस्तों, यहाँ से कहीं से भी मतलब जैसे कि गांव हो या कोई सिटी हो तो को मतलब कहीं से भी इसको आने जाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा जाएगा। खाली जो रैम बना हुआ है जहाँ से मतलब वहीं से जाएगा दोस्तों, बाकी बीच में से कहीं से भी इस पर नहीं चढ़ सकते दोस्तों। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ये जो LUP का लो व्हीकल अंडरपास का राफ्ट बन रहा है, ये दोस्तों बॉटम स्लैब का बॉटम मेन बार और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बंधाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों मैं आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा दोस्तों ऐसे ही। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। ओके।